50 नंबर सीट ये लिया गया मिडिल बर्थ। आप बोले टॉवेल होगा, लेकिन टॉवेल तो आप निकाल रहे हैं सर जी। बिल्कुल निकाल रहे हैं, गरीब रथ, गरीब लोग चलते हैं, गरीब के साथ अगर इस तरह से कीजिएगा लूटिएगा तो फिर। स्टेशन के बाहर इससे और बढ़िया मिलेगा, लेकिन आप इस 3-4 और 4 बेड इधर लगा हुआ है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12215 दिल्ली बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 4 दिन चलती है, मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को, दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 8:55 पे निकलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और आपको अगले दिन सुबह 7:35 पे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और आज इस ट्रेन में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है G3 कोच में, सीट है 50, साइड मिडिल। अच्छा, दो दीजिएगा रेल नीर। तो ये रहा अपना 2 रेल नीर का बोतल। तो अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इस ट्रेन में आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, पोहा वगैरह मिल जाएगा। और पता है मेरा सीट नंबर 50 था, टिकट में मेंशन था साइड मिडिल। साइड मिडिल होता है वो वाला सीट, गरीब रथ में साइड मिडिल होता है। लेकिन क्या है कि जब आए हैं ट्रेन में तो देखे हैं साइड मिडिल जो है ये है, मतलब साइड मिडिल ये तो नहीं है लेकिन 50 नंबर सीट ये दिया गया, मिडिल बर्थ दिया गया। अब पता नहीं भाई कि कैसे ऐसे कैसे गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले ही मेरे साथ एक बार हुआ था, साइड मिडिल लिखा हुआ था, दे दिया गया था अपर बर्थ। ऐसा बराबर होता है गरीब रथ के साथ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइम हो रहा है 9:19। तो कुछ देर पहले अभी बेड सीट वगैरह दिया गया सभी पैसेंजर को। इसमें तो एक बेड सीट है, एक चादर है, टॉवेल नहीं दिया गया है। लगभग 26 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट गुड़गांव रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GGN। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे बांद्रा गरीब रथ का गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम था सुबह के 9:28 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे अपनी जो ट्रेन है बांद्रा गरीब रथ ये चलती है टोटल 1430 किलोमीटर की दूरी तय करती है 15 हॉल्ट के साथ लगभग 22:40 में। अभी जस्ट आई है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन। आ जाए बोले टॉवेल होगा, लेकिन टॉवेल तो आप निकाल रहे हैं सर जी। बिल्कुल निकाल रहे हैं सर जी। का है? जो मांगते हैं उनको भेज देते हैं। दे दीजिए भाई। तो क्या वापस जाके जाना सर? हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। कुछ लोग टॉवेल लेके घर चले जाते हैं। नहीं, आधे आधे लोग नहीं विश्वास है, बोलो बांट दो आप सुबह के लिए। नहीं, लोगों को लगता होगा ना कि शायद फ्री में मिल रहा है। हाँ, ये चीज है, देने वक्त बता दिया कीजिएगा तो सही रहे। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। मार्केट में 20 रुपए को काटती है, समझ रहे हैं आपकी बात। अगर हम बांट रहे हैं, हाँ, तो आधे नहीं मिलेंगे सुबह।
सही बात है। वही लेटरिन में पड़े। अब तो क्या है कि अब तो देख रहे हैं कि टॉवल भी डिस्पोजेबल वाला आने लगा है बहुत सारी ट्रेन में। वो सही, एक बार यूज कीजिए, बात खत्म। सेवेंटी एट किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है रेवाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RE, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। रेवाड़ी जो है ये आता है हरियाणा में। वैसे अपनी ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम था इस रेलवे स्टेशन पे सुबह के 10:15 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 5 मिनट डिले। वैसे प्लेटफॉर्म जो है रेवाड़ी जंक्शन पे 8 है, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 130 ट्रेन आकर रुकती है। और रेवाड़ी जो है खास तौर पे जाना जाता है मेटल और ब्रास वर्क्स के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बांद्रा गरीबरथ के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो गरीबरथ जो है बांद्रा गरीबरथ ये चलती है टोटल 19 थर्ड एसी कोच के साथ। थर्ड एसी का मतलब गरीबरथ वाली कोच के साथ, इसमें साइड मिडिल भी होता है। मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं दिल्ली से बांद्रा के बीच मतलब मुंबई के बीच में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1105 रुपया। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पे जितनी बार भी हम उतरे हैं ना, मेरी कोच जो है लगभग इसी पोजीशन पे रही है, सामने में यहाँ पे कोच और हम यहाँ पे आके बात करते हैं, और इधर ये पार्किंग एरिया। रेवाड़ी में वैसे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकलते ही इस ट्रेन में आपको लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है। तो लंच में आपको सिर्फ वेज थाली मिलेगा। गरीब रथ है तो इसमें साइड पेंट्री है, तो वेज थाली जो इसमें बेचा जा रहा है ना इस ट्रेन में, वो बेचा जा रहा है 130 की वेज थाली बेची जा रही है। और ये जो थाली है ना, अभी ऑर्डर ले रहे हैं सबसे ऑर्डर लेके ये थाली आपको अलवर से बोर्ड किया जाएगा, फिर आप सभी को दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि आज हम इस ट्रेन का खाना नहीं खाने वाले हैं। हम वैसे हम भैया को बोले कि भैया थाली तो 80 की होती है, अब 130 में बेच रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 130 की वेज थाली बेची जाती है, लेकिन क्या है कि अभी हम आए साइड पेंट्री में, गरीबरथ के साइड पेंट्री में ही अभी मैनेजर सर से बात हुआ, तो बोल रहे थे कि नहीं 80 वाली की थाली आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन जो उस वक्त ऑर्डर ले रहे थे ना स्टाफ, तो वो पूछे नहीं। अगर वो पूछते कि स्टैंडर्ड वेज मील अगर आपको लेना 80 वाली थाली है, तो शायद हम ऑर्डर करते या बाकी के लोग ऑर्डर करते। तो गलती तो स्टाफ का है सबसे पहली बात, कि उनको कहिए पहले जाकर कि स्टैंडर्ड वेज मील भी है। क्या है ऑर्डर लेंगे ना तो पैसेंजर को बोलेंगे भी स्टैंडर्ड वेज मील है। क्या है कि नाम है गरीब रथ, गरीब लोग चलते हैं, गरीब के साथ अगर इस तरह से कीजिएगा लूटिएगा तो फिर सही नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, देखिए 130 की थाली बेची है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से मंगा दे वो बेची, लेकिन आप ये भी बोले कि लड़कों को बराबर ₹80 का भी ऑर्डर है। 130 की थाली में एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह मिल जाता है, स्वीट्स वगैरह मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि रेलवे जो है वो अलाउ करती है स्टैंडर्ड वेज मिल 80 वाली, इनको वो भी ऑर्डर लेना चाहिए। मैनेजर तो बोलते हैं, लेकिन जब ऑर्डर लेने के लिए जो आते हैं ना, वो ऑर्डर लेते ही नहीं है, वो पूछते ही नहीं कि 80 वाली थाली है। अगर बताते तो शायद अभी 50 ऑर्डर इस ट्रेन में भी हो रहा है, अगर 80 वाली थाली बताया जाए तो 100 लोग 150 लोग भी थाली ले सकते हैं। वैसे एक चीज़ है, इस ट्रेन में रेली वगैरह जो है बिल्कुल रेट टू रेट दिया जा रहा है, चाय कॉफ़ी वगैरह भी बिल्कुल रेट टू रेट दिया जा रहा है। अगर आप बांद्रा गरीबरथ में ट्रैवल करते हैं तो स्टैंडर्ड वेज मील अगर आप बोलिएगा तो मिल जाएगा ना सर? हाँ मिलेगा, तुरंत मिलेगा। 80 वाली थाली अगर आप बोलिएगा जब ऑर्डर लेने आते हैं, भले ही वो 130 बोल दें, लेकिन आपको बोलना है स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली, तब आपको फटाक से 80 वाली थाली मिल जाएगी। 152 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट अलवर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AWR, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। अलवर जो है ये आता है राजस्थान में। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है, और अभी रोजाना यहाँ 87 ट्रेन आकर रुकती है। अगर आप अलवर आते हैं तो यहाँ का फेमस मिल्क केक जरूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया होता है। तो अभी चलते हैं, मिल्क केक लेते हैं। वैसे अभी गए थे साइड पेंट्री में, नॉर्मल ट्रेन में जो साइड पेंट्री होता है ना, वो 2 कोच के बीच में होता है, लेकिन गरीब रथ में अभी हमने देखा इसका साइड पेंट्री के लिए छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि अच्छी बात है, इसमें सामान वगैरह रखा हुआ था। तो वैसे इस ट्रेन में 180 की वेज थाली बेची जा रही थी, ऑर्डर लिया जा रहा था। हमने पूछा कि भैया स्टैंडर्ड वेज मील नहीं होगा क्या? वो बोले कि नहीं स्टैंडर्ड वेज मील तो होगा नहीं। तो फिर हम गए मैनेजर सर के पास, उनसे पूछे तो बोले हाँ हो जाएगा। यही है कि मतलब कि जो स्टाफ ऑर्डर लेते हैं वो बताना नहीं चाहते हैं। अगर वो सही रेट बताए ना कि स्टैंडर्ड वेज मील 80 की थाली मिल जाएगी,
तो पता है कितना, अभी तो टोटल 50 ऑर्डर हुआ है इस ट्रेन में 130 के हिसाब से। वैसे अगर 80 की थाली बेची जाए ना, 200-250 थाली बिकेगा। गरीब रथ में गरीबों के साथ अगर इस तरह लूटा जाएगा तो काम कैसे चलेगा। वैसे मैनेजर सर ने प्रॉमिस किया है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, जो बोलेंगे स्टैंडर्ड वेज में उसे स्टैंडर्ड वेज में मिलेगा। तो अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके रुकी है और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अलवर का फेमस मिल्क केक। 200 ग्राम दीजिएगा, चलिए ठीक है। वैसे 280 रुपये के जी है मिल्क केक। ये देखिए अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश है ना भैया, ये देखिए ट्राई करेंगे इसको। अपना अलवर का फेमस मिल्क केक, मतलब मावा, इसको ट्राई करते हैं। 200 ग्राम था ये, मुझे पड़ा कोई 60 का। सही है, वैसे स्टेशन के बाहर इससे और बढ़िया मिलेगा, लेकिन आप इस रूट में अगर ट्रैवल करते हैं ना और आपकी ट्रेन अलवर रेलवे स्टेशन पे रुकती है तो यहाँ का फेमस ये मिल्क केक जरूर ट्राई कीजिएगा। दुक्का छुपी खेल रही है नाजिया। फिलहाल हम लोग की ट्रेन बांदीकुई जंक्शन पे रुकी हुई है। वैसे अपने बांद्रा गरीब रथ का बांदीकुई जंक्शन पे रुकने का तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, फिर भी रुकी है। शायद यहाँ पे किसी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है, नहीं तो ओवरटेक होगा। वैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसी रेलवे स्टेशन से निकली है दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस। अभी भी अपनी ट्रेन बांदीकुई जंक्शन पे लगभग 10 मिनट से रुकी हुई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बांदीकुई जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है जैसलमेर जम्मू शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन। तो लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है बांदीकुई जंक्शन से और देखिए तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट आई है अहमदाबाद सुल्तानपुर एक्सप्रेस। तो 304 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट जयपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JP और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। जयपुर जो है ये आता है राजस्थान में और इसे हम लोग पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। जयपुर को राजस्थान का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है जयपुर। तो आज का लंच जो है ना, हमने साइड पैंटिस ऑर्डर नहीं किया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है
वो अब आने ही वाला होगा, भैया से लेते हैं, रिसीव करते हैं खाना, उसके बाद ट्रेन के अंदर बैठ कर खाने का रिव्यू करेंगे। कितना है? हाँ ऐसे बदल गए ना। आज ट्रेन में हम लोग मंगाए हैं पनीर बिरयानी, तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कैसा है बैरूज की बिरयानी। ये खुल गया अपना बिरयानी बॉक्स, जिसमें स्वीट्स में ये दिया गया है गुलाब जामुन है। ये रहा बैरूज का पनीर बिरयानी। देखिए बिरयानी के ऊपर में ये गुलाब का पत्ती वगैरह रखा हुआ है और ये अंदर में ये रहा पनीर। वैसे बैरूज का बिरयानी काफ़ी बढ़िया होता है। फर्स्ट टाइम हम ट्रेन में मंगा रहे हैं, भाई गजब का खुशबू आ रहा है। अभी टेस्ट करेंगे, अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये है पनीर बिरयानी का पनीर, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। काफ़ी सॉफ्ट है। वैसे इस ट्रेन में आपको अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी, ये दो बिरयानी आपको मिल जाएगा। अंडा बिरयानी पड़ेगा आपको 90 का, चिकन बिरयानी पड़ेगा आपको 100 का। लेकिन ये बैरूज बिरयानी है, ये मुझे पड़ा 300 का। और इसके ऊपर गुलाब का जो पत्ती डाला गया है ना, तो खुशबू आ रहा है गुलाब का, मज़ा आ रहा है। अब कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा इसके ऊपर गुलाब का पत्ती रखा हुआ, लेकिन भाई टेस्ट अच्छा लग रहा है। और ये रहा मिंट चटनी, ये भी काफ़ी बढ़िया है। लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 6th हॉल्ट अजमेर रेलवे स्टेशन, और यहां पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अजमेर में अपनी बांद्रा गरीब रथ का पहुंचने का टाइम है 4:00 PM, और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहां पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम, और इस ट्रेन में हम लोगों की जर्नी अजमेर तक ही थी। वैसे इससे पहले भी इस ट्रेन में हम एक बार ट्रैवल कर चुके हैं, अभी हम दोबारा ट्रैवल किए हैं। और मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस देखा जाए तो हिला जुला रहा, ट्रेन बिल्कुल पंक्चुअल है अजमेर तक, साफ़ सफाई भी एवरेज है। खाने के बारे में क्या था हमने आपको बताई, 130 की थाली बेची जाती है। अगर आप बोलिएगा कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए 80 वाली, वो थाली भी आपको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। बोलिएगा तभी मिलेगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं मिलेगा। वैसे अजमेर से हमारी दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन, इस वजह से हम पूरी जर्नी नहीं किए, उससे पहले एक बार ट्रैवल कर चुके हैं, वो भी ब्लॉग जाके आप देख सकते हैं इस ट्रेन का। चलिए यहाँ से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, फिर आपसे बात करते हैं। हम लोग की ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अभी जा रही है अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस, इसका डिपार्चर हो रहा है। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर में, डोरमेट्री रूम बना हुआ है, रिटायरिंग रूम बना हुआ है, तो यहीं पे आए हैं। अभी क्या है कि रात में अपनी ट्रेन है, कनेक्टिंग ट्रेन है, रात में ही यहाँ से हम निकल जाएंगे, तो सोचे भाई होटल लेने से बढ़िया है कि डोरमेट्री रूम में ही रुके और फिर आपको भी दिखा दें कि अजमेर रेलवे स्टेशन का डोरमेट्री रूम कैसा है और कितने का मुझे पड़ा। वैसे मैं आपको बता दूँ 12 घंटे का बुकिंग हमने किया था, 12 घंटे का प्राइस है 200 रुपया नॉन AC डोरमेट्री का। कूलर लगा हुआ है, 2 कूलर लगा हुआ, पंखा वगैरह लगा हुआ है,
तो क्या है कि मुझे बस रात में मेरी ट्रेन है 12 बजे के लगभग, तो 12 बजे निकल ही जाएंगे, इसलिए सोचे डोमेट्री ही ले लेते हैं और इसी बहाना आपको हम दिखा भी देंगे। वैसे इसका बुकिंग जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ आके ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अगर बेड अवेलेबल रहा तो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए डोमेट्री टूर करवाते हैं आपको। ये है अजमेर रेलवे स्टेशन का डोरमेट्री रूम। इस तरह से बेड लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 4 बेड इधर लगा हुआ है। सामने में मिरर है, फैन चल रहा है, 2 कूलर लगा हुआ है। ये आपको पड़ेगा 200 रुपीज़, 12 घंटा का 200 रुपया पड़ेगा। साथ ही वाशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉकर वगैरह है, यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं, ताला मार सकते हैं यहाँ पे। ये है वाशरूम, तो वाशरूम में आते ही सामने में एक मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिन है, मिरर उतने अच्छे तरीके से साफ नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। बाथरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है, ये बकेट दिया गया है और यहाँ पे हैंगर है और ऊपर का भाई गायब है। और ये भी 2 बाथरूम है, इसमें गीजर लगा हुआ है, ठीक है। और ये रह गया वेस्टर्न स्टाइल और ये हो गया इंडियन स्टाइल और सामने में बेसिन। ये था आज का व्लॉग, तो व्लॉग को लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जतनी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। और हाँ गाइज, मोस्ट बेस्ट पे जाइए, जाके रजिस्टर कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे हमने पिन कर दिया है। साथ ही अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको मिलेगा 34,000 का बोनस। तो देर किस बात की।